वेलकम टू मीनल्स वर्ल्ड। चलो तो फिर आज हम लोग देखते हैं पाइनएप्पल फ्लेवर का ये ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का केक। चलो तो फिर देखते हैं इसकी रेसिपी। मेरा ये केक स्पॉन्ज बनकर रेडी हो चुका है, नहीं हम लोग चेक करते हैं। तो मैं इसके अंदर नाइफ डाल रही हूँ, तो अगर ये नाइफ क्लीन आएगी तो फिर ये परफेक्टली बेक। सी, नाइफ क्लीन आई है, दैट मीन्स ये परफेक्टली बेक है। वेरी गुड। चलो तो फिर इसे ठंडा होने देते हैं। मैंने ये केक स्पॉन्ज बनाने के लिए 140 ग्राम तक का प्रीमिक्स लिया है और इसी का ये स्पॉन्ज बनकर रेडी है। अब मैं इस स्पॉन्ज को, ये ठंडा हो चुका है, इस स्पॉन्ज को मैं इस डिब्बे में से, टिन में से निकाल रही हूँ। तो इसीलिए मैं नाइफ से इसको सारे जो साइड्स है उसको लूज़ कर लिया है। अब मैं उसे प्लेट में उल्टा करके ले रही हूँ। आप देख लीजिए इसको, ये केक देखिए, केक ज़रा भी नहीं चिपका। अब मैं उसका जो बटर पेपर नहीं था इसीलिए मैंने नॉर्मल पेपर यूज़ किया, जो अच्छा वाला प्लेन पेपर था तो उसको मैंने यूज़ किया। ये देखिए मैंने पेपर निकाला, फिर भी कहीं पे भी केक नहीं चिपका। सो दैट मीन्स ये आपका केक परफेक्टली बेक्ड है। वेरी गुड, नाइस। मैं अब इस केक को बोर्ड पर शिफ्ट कर ले रही हूँ एंड देन अब हम इसे कट लगाएंगे। कट लगा के नाइफ्स की हेल्प से, ये देखिए अब इसे नाइफ की हेल्प से कट लगा ले रही हूँ ताकि इसे हम धागे से इजीली कट कर सके। तो कट लगाने के बाद हम लोग इसे इसके अंदर धागा इंसर्ट करेंगे और फिर इसे 3 लेयर्स में कट करेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर धागा इंसर्ट कर लिया है। अब मैं उसे उसके अंदर धागा डाल के, सी मैं उसे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे खींच रही हूँ धागे को ताकि वो इजीली अपने आप कट हो जाएगा। आप सिर्फ उसे अपोजिट डायरेक्शन में खींच लीजिए। अब देखिए ये रहा केक के 2 लेयर्स हो चुके हैं। अब मैं और एक तीसरा लेयर कर रहे, फिर से मैं और एक कट लगा रही हूँ और फिर उसे हम लोग उसके अंदर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा केक कट हो रहा है, वो भी इवनली प्लेन तरह से केक कट हो रहा है, ना ही कहीं ऊपर ना ही कहीं नीचे। ये देखिए केक भी हमारा कितने अच्छे से बेक हुआ है, आप देख सकते हो स्पॉन्ज भी कितने अच्छे से आया है। अब मैंने देखो मैं ऊपर का लेयर निकाल रही हूँ इसका, तो फिर इसके लिए मैंने और एक बार इसको कट लगाया एंड देन ऊपर का लेयर मैं निकाल रही हूँ बिकॉज इसका थोड़ा सा डोम शेप आया था तो फिर मैं इसे निकाल के रख रही हूँ। ओके, अब सारे लेयर्स कट हो चुके हैं तो फिर मैं अभी केक बोर्ड को खाली करके इसे थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा रही हूँ ताकि जो भी हम केक बनाएंगे तो वो इसके ऊपर से स्लिप ना हो, फिसले ना। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा के, तो सबसे नीचे वाली लेयर मैंने नीचे लगा के रख ली है। अब मैं इसके ऊपर शुगर सिरप लगाऊंगी। अब मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि शुगर सिरप के लिए मैंने 2 चम्मच शक्कर और आधी कटोरी पानी लिया था एंड उसके अंदर ही थोड़ा सा मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाला था एंड मैंने पाइनएप्पल एसेंस स्पॉन्ज बेक करते समय भी डाला था। अब इस स्पॉन्ज पर हमें व्हिपिंग क्रीम से कवर करना, तो व्हिपिंग क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया है। जो ये पाइपिंग बैग में मेरा एक नोज़ल अवेलेबल था उसी से मैं ये कवर कर रही, तो इसी से मुझे सर्कुलर मोशन में गोल गोल करके घुमाना है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हम जो स्पैचुला से घुमाएंगे ना तो वो इजीली स्प्रेड होगा, तो केक का कहीं पे चिपकेगा नहीं, तो बहुत ही इजीली और इवनली केक अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा फैल चुका है। अब मैं स्पैचुला से इसे ऐसे गोल गोल घुमा रही हूँ। ये देखिए ये फैल गया, तुरंत हो गया, कुछ ज़्यादा टाइम लगा नहीं। ये बिगनर्स भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं एंड देन ये पाइनएप्पल क्रश है, पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है तो पाइनएप्पल क्रश ही चाहिए। तो फिर मैंने इसे पाइनएप्पल क्रश को ऐसे 2 चम्मच के करीब लिया था एंड देन मैं उसे पैलेट नाइफ से फैला ले रही हूँ एंड देन मैं इसके ऊपर अभी और एक लेयर रखने वाली हूँ। अब मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम अलग से निकाल ली है, इसके अंदर मैं थोड़े से ब्लू कलर डालने वाली हूँ। तो 5-6 बूंद मैंने लिया है इस ब्लू कलर का। एक्चुअली ये मेरे बेटे की इच्छा थी कि उसे ब्लू कलर का केक खाना है, ब्लू कलर ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने उस क्रीम में थोड़े से ब्लू लिक्विड ब्लू कलर है तो मैंने उसे मिक्स कर लिया है। उसी से मैं अभी सेकंड वाला जो लेयर है वो डेकोरेट करूँगी एंड ऊपर का केक भी जो होगा, केक फिनिशिंग भी इसी कलर से होगा। सो सी अभी ब्लू कलर की क्रीम बनकर रेडी है। अब चलते हैं हमारी स्पॉन्ज की तरफ। मैं उसे शुगर सिरप से कोट कर रही हूँ, तो शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर लीजिएगा ताकि केक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो फिर उसके बाद मुझे अभी क्रीम का लेयर लगाना है। अब मैंने यहाँ पे कॉफ़ी मग लिया, उसके अंदर मैंने पाइपिंग बैग डाला, पाइपिंग बैग को मैंने खोल के रखा है तो उसके अंदर मैं ये क्रीम भर के ले रही हूँ ताकि अप्लाई करने में इजी रहे। तो फिर पूरी तरह से भर के उसको रेडी करके ले रही हूँ। अब मैं इस बैग को धीरे से मग से निकाल रही हूँ एंड ये निकाल के ये देखिए इसे मैं अभी हल्के से प्रेस करके इसमें से जो क्रीम है थोड़ी सी निकाल रही हूँ बिकॉज उसमें एयर बबल्स रहते हैं। मैंने चेक कर लिया कि कैसे आएगा। सी अब मैंने इसी नोज़ल से मैंने फटाफट उसमें फैला लिया।
अब मैंने स्पैचुला से भी वो क्रीम फैला ली है। अभी मैं डालूंगी पाइनएप्पल क्रश, तो 2 चम्मच मैंने पाइनएप्पल क्रश अगेन लिया है। अब मैं स्पैचुला से इसे फैला के ले रही हूँ। सी कितना इजी। अब मैंने लास्ट वाला लेयर रख लिया है इसे। अब मैं फिर से शुगर सिरप से कोट कर रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर हम लोग क्रश नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हम लोग क्रीम लगाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट लेयर, इसके ऊपर क्रश नहीं आएगा। अब मैं इसे स्पैचुला से फिर से फैलाऊंगी। ये हमारा ऊपर का लेयर है, तो फिर इसीलिए ये फिनिशिंग वाला पार्ट है, तो इसे अच्छे से फैला कर लेना है। तो उसके बाद हम लोग को ये कोट करना है। तो फिर इसे कोट करने के लिए मैंने सबसे नीचे वाला जो लेयर है, तो उसके अंदर मैंने थोड़े पाइपिंग बैग से जो क्रीम थी वो क्रीम उसके अंदर लगा ली है। एंड देन अब मैं उसी पाइपिंग बैग में से फिर से एक बार जितना मुझे लग रहा है उस हिसाब से मैंने लगा, एंड देन मैं उसी पाइपिंग बैग से मैंने ऐसे खड़े सीधे सीधे लाइन खींचे है। अब मैं उसी को फैलाऊंगी। सी अब मैं यहाँ पे एक स्क्रैपर ले रही हूँ। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो कोई भी विजिटिंग कार्ड जो थोड़ा सा कड़क होता है, या फिर कोई जो भी फाइल का फोल्डर हो, या फिर ऐसे जो भी कार्ड जैसे जो हो, तो उससे हम लोग ऐसे उसको स्क्रैपर से ऐसे प्लेन कर सकते हैं। तो इसको ऐसे सीधा पकड़ना है एंड देन टर्न टेबल को ऐसे घुमाना है। सी अभी ये हमारा फर्स्ट कोट हो चुका है। अब सेकेंड कोट करने के लिए मैं अगेन वही वाला जो मेरा पाइपिंग बैग है उससे मैं गोल गोल क्रीम को लगा ले रही हूँ। अब मैं क्रीम को पूरी तरह से ऐसे गोल घुमा के पूरी तरह से केक को कवर कर ले रही हूँ क्रीम से। एंड देन उसके बाद मैं फिर से मैंने स्क्रैपर को सी आपने देखो मैंने ऐसे स्क्रैपर को सीधे से पकड़ा एंड देन धीरे धीरे टर्न टेबल को घुमा रही हूँ, ताकि वो जो साइड जो है वो सारे प्लेन हो सके, वो ईजिली बहुत अच्छे से, और वो जो एक्स्ट्रा वाली क्रीम जो होती है ना वो उस स्क्रैपर के साथ ऊपर आ जाती। तो अब इसीलिए आपको हल्के हाथों से करना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा क्रीम निकल के आ जाएगी। ये देखिए एक बार मैंने सीधे नीचे से किया साइड से, एंड देन उसके बाद में ऊपर वाले जो क्रीम ऊपर वाला जो है एजेस है, तो अब मुझे एजेस को का ध्यान देना है। जहाँ पे एजेस मेरे जा रहे हैं तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम भर के मैंने उसको फिर से सीधे कर, एक बार मैंने सीधे से किया देन ऊपर से मुझे वो ये करना, देन सी जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था मैं वहाँ से फिर से उसे क्रीम भर रही हूँ। मैंने इसके पहले एक केक अपलोड किया है जो रेड वेलवेट केक है एनिवर्सरी थीम वाला, तो वो केक मैंने अपलोड किया, बहुत ही प्यारा सा, टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा वाला केक है। तो वो केक आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ एंड आई बटन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। आप प्लीज़ जाइए एंड प्लीज़ मेरी वो रेसिपी देखिए। अब हम डेकोरेशन के लिए एक नोज़ल लेते हैं, तो ये नूर 34 नंबर का नोज़ल है, उससे मैं केक डिज़ाइन करूँगी। अब मैं इस नोज़ल से सीधे सीधे लाइन खींचूंगी। एक्चुअली मेरी गड़बड़ ये हो गई कि मैंने वो शूट करना रह गया, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया है। पाइपिंग बैग को नीचे से ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ खींचा था, तो ऐसे सीधे सीधे लाइंस लिए मैंने, ये पूरे लाइंस मैंने ऐसी तरह से कवर कर लिया। वो मेरा एक्चुअली सॉरी वो रह गया मेरा शूट करना। एंड देन अब ये ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा जम गया, तो क्रीम बहुत ज़्यादा हो जाती है खाने में, तो हमें वो पसंद है, तो इसीलिए मैं ऊपर का थोड़ा सा जो क्रीम है वो निकाल ले रही हूँ, बिकॉज उसके ऊपर मेरा अगेन फ्लावर आएगा, तो मैंने उसको निकाल के अलग कर लिया है। अब मैं उसी नोज़ल से नीचे वाला जो बेस वाला जो डिज़ाइन होता है वो बना रही हूँ। सी मैं कोन को सिर्फ आगे पीछे कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा डिज़ाइन चाहिए था, तो इसीलिए मैंने उसी नोज़ल को लेके आगे पीछे किया है। तो फिर वो थोड़ी सी ये देखिए आगे पीछे करके हिला के मेरा ये नीचे का लेयर रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर एक फ्लावर बनाने वाली हूँ, तो मेरे पास वो रोज़ नेल नहीं है, रोज़ पिन जो होता है वो नहीं है, तो मैं ये कटोरा है जो उसको मैं ऐसे घुमा के उसके ऊपर रोज़ बना रही थी। रोज़ बनाने के लिए वो जो पेटल वाला नोज़ल होता है वो वाला नोज़ल लिया है मैंने। ये देखिए मैं ये बना रही हूँ रोज़। तो ये रोज़ वाला जो वीडियो है मैं वो एक डिटेल्ड वीडियो एक अलग से बनाऊँगी, ये यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मैं इसका एक अलग से प्रॉपर वाला वीडियो बनाऊँगी। ये देखिए तो अब मैं उसको नीचे से निकाल दे रही हूँ, एंड देन मैंने नीचे केक पर भी थोड़ी सी क्रीम लगा ली है। अब मैं इसे ये देखिए मैं यहाँ पर नाइफ एंड स्पून की हेल्प से उसे निकाल के वहाँ पे चिपका रही हूँ। तो उसे दो चीज़ें चाहिए, ये एक नाइफ एंड एक स्पून। तो मेरा एक फ्लावर तो रेडी हो चुका है, अब मैं दूसरा फ्लावर भी बना रही हूँ, तो वो भी बनाकर मैं सेम प्रोसेस करूँगी। तो उसके ऊपर बनाते समय पे भी आपको थोड़ी सी क्रीम लगानी है, अंदर केक पर चिपकाने के लिए भी आपको थोड़ी सी क्रीम लगानी है, उसके ऊपर ही एक फ्लावर चिपकेगा। अब मैं यहाँ पे दूसरा वाला जो फ्लावर है वो दो नाइफ की हेल्प से निकाल रही, तो ये इजीली निकल गया, तो इसको मैं धीरे से
लगा रही हूँ। तो अब मेरे दो फ्लावर रेडी हो चुके हैं, तो मैं अब तीसरा फ्लावर बना रही हूँ सेम प्रोसेस से। मैं अब तीसरा फ्लावर जो है वो ब्लू कलर में बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ी सा ब्लू कलर लगा लिया है, कुछ बूंदे डाल दिए एंड देन उसके अंदर मैं क्रीम मिक्स करके उससे एक फ्लावर बना लूँगी। तो वो फ्लावर बना के सेम प्रोसेस से हम वो फ्लावर बना के उसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए ये थर्ड फ्लावर भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से शुगर बॉल्स डाल रही हूँ, तो ये रहा मेरा फाइनल फिनिशिंग टच। तो इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसमें सिल्वर कलर के कुछ शुगर बॉल्स है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए ये हो गया हमारा केक रेडी। तो लग रहा है ना ये एकदम ज़बरदस्त केक, सुपर केक, वेरी नाइस। ये जैसे कि ऐसा लग रहा है कि ये केक कहीं से गिफ्ट पैक होके आया है, गिफ्ट पैक वाला ये डिज़ाइन है, मस्त लग रहा है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ, सी और ये केक कट होते देख के आ गया ना मुंह में पानी, कैसा लग रहा है, बढ़िया ना। तो फिर प्लीज़ ऐसे ही ये केक की रेसिपी देखते रहिए और फिर घर पे ट्राई करते रहिए। ये देखिए वाह क्या केक है, वेरी नाइस। तो अगर आपको ये मेरा केक ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। एंड आगे ऐसे ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।